गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट लर्नर में। आज हम करने वाले हैं क्लास प्लस वन की पोएम नंबर 5, फादर टू सन, एंड इट इज़ रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। सबसे पहले इस पोएम में एक फादर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपने बेटे से। वो बहुत ज़्यादा इस टाइम वरीड है कि उसका जो रिलेशन है अपने बेटे से वो अब उतना अच्छा नहीं रहा जैसा कि बचपन में था। और ये जो पोएम है ये उन सभी एक इट इज़ अ जनरल ट्रूथ जो कि हमारी फैमिलीज में हो रहा है कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा उनके करीब होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो एक जनरेशन गैप जो है वो उनके बीच में आ जाता है और एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है उनके बीच में डिफरेंसेस का। तो ये जो पोएम है एलिजाबेथ जेनिंग, इसकी फर्स्ट लाइन आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ। हेयर फादर सेड डैट कि मैं इस बच्चे को नहीं जानता। आई डू नॉट अंडरस्टैंड मीन्स मैं नहीं जानता दिस चाइल्ड। हेयर दिस चाइल्ड मीन्स यह बच्चा। एक्चुअली ये जो बच्चा है वो उस पिता का ही है, लेकिन डिफरेंसेज इतने बढ़ चुके हैं कि वो अपने ही बच्चे को दिस चाइल्ड बोलता है। दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ, हेयर फादर सेज दैट कि हाँ हम इकट्ठे रहते हैं, अब भी हम इकट्ठे रहते हैं, इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, सालों से एक ही छत के नीचे और सेम हाउस में एक ही घर में। आई नो नथिंग ऑफ हिम, फिर भी मुझे इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता। आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट दिस चाइल्ड, सो ट्राई टू बिल्ड अप रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल। और मैं वो रिलेशन बनाना चाहता हूँ जैसा कि रिलेशनशिप, जैसा कि संबंध जो हमारे बीच में था, वो जो बचपन में जब वो बच्चा छोटा था, स्मॉल था, वैसा रिलेशन मैं बनाना चाहता हूँ। लेकिन अब वो रिलेशनशिप हमारे बीच में नहीं रहा, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस आ चुका है। हम एक ही छत के नीचे रहते हैं फिर भी हम अलग हैं। सेकेंड स्टेंजा, येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर। यहाँ पर जो फादर है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। वो कहता है कि क्या मैंने वो सीड ख़त्म कर दिया, येट हैव आई किल्ड, क्या मैंने वो रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया या हमारा वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। द सीड आई स्पेंट, जो बीज मैंने बोया था, और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज नन ऑफ माइन। इट मीन्स लैंड मीन्स वो जो ठोट जो बचपन में मैं जो उसको समझाता था, जो अपने लेसन्स उसे समझाता था, जो ज्ञान उसे देता था, वो जो लैंड को यहाँ पर लैंड मीन्स ठोट, और किसके ठोट, जो कि जब वो छोटा था पिता अपने ठोट उस बच्चे में एक सीड की तरह डालता था, तो जो ठोट थे वो उसके थे। द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज नन ऑफ माइन। अब उसे लग रहा है कि जो विचार मैंने उसके मन में डाले थे अब वो विचार चेंज हो चुके हैं, वो विचार मेरे नहीं, अब वो सिर्फ उसी के है, इसलिए उसने लिखा है द लैंड इज हिज नन ऑफ माइन। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम बात करते हैं। हाँ, पिता कह रहा है यहाँ पर कि हम बात करते हैं, लेकिन हम बात कैसे करते हैं, एक अजनबियों की तरह। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, और कहीं भी उस एनवायरनमेंट में जहाँ पर हम रहते हैं ऐसा कुछ भी निशान नहीं है जहाँ पर एक ऐसा पहलू आए कि हमें लगे कि हम दोनों एक पहलू पर सहमत हैं। हर पहलू में हर एक ओपिनियन हमारा डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट लिखा है वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। कोई भी ऐसी समझ नहीं है जो हम एक ही पॉइंट पर एग्री करें। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, ये जो बच्चा है, फादर सेज दैट कि हाँ ये जो बच्चा है कहीं ना कहीं मेरे डिज़ाइन पर है। मेरे डिज़ाइन मीन्स कि उसकी उस रिजेंबल करता है, उसके अपीयरेंस जो है वो सेम है एज हिज फादर, लेकिन फिर भी येट व्हाट ही लव आई कैन नॉट शेयर, लेकिन जिन चीज़ों से वो प्यार करता है मैं उसे बांट नहीं सकता। और वो जो चीज़ें हैं वो विल रीड इन थर्ड स्टैंजा कि वो क्या चीज़ें हैं।